बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ट्स। व्हाट आर द चार्ट्स, टेबल्स, प्रीज पेन्स को देखेंगे हम। इसके अलावा कुछ और फंक्शन हम देखेंगे जिसमें हमारे पास एज कैलकुलेशन आ जाएगा, एवरेज, परसेंटेज, काउंट इफ, और साथ में हम देखेंगे व्हाट आर द हेडर एंड फुटर एंड हाउ टू अप्लाई हेडर्स एंड फुटर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट्स के लिए, हमारे पास चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स हमारे पास होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा होती है। डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर जो हम कर रहे होते हैं वो हम चार्ट्स के थ्रू कर रहे होते हैं। चार्ट्स की मदद से क्या होता है, हमारे पास जो हमारा डाटा होता है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा होता है और स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए बहुत आसानी हो रही होती है। ठीक है, हमें पता है जिस तरह विजुअली हम बजाय सुनने के विजुअली जो फेनोमेना है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इस तरह विजुअली जो हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर के निस्बत हम चार्ट्स को बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं और बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपनी कोई भी कंपनी की किसी की रिप्रेजेंटेशन अगर करनी है, रिप्रेजेंट करना है, अपने अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है, या आपने अपने स्टैटिस्टिक्स बताने हैं कि विद इन द पैसेज ऑफ टाइम क्या आप लोगों का रिकॉर्ड क्या रहा है, कि किस तरह से आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, या आपके जो आपकी मार्केटिंग है वो बढ़ रही है या नहीं हो नहीं बढ़ रही, या इस तरह से किसी भी चीज़ के हवाले से आप लोगों ने अपने किसी स्टूडेंट्स के हवाले से, मार्क्स के हवाले से आप लोगों ने बताना है कि जी हाँ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो किस हिसाब से आए हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बजाय इसके कि एक एक स्टूडेंट के आप मार्क्स बताएं, एक एक स्टूडेंट के नंबर बताएं, एक एक सब्जेक्ट के बताएं, आप एक ही टेबल बना लें और उसमें वो उस टेबल का आप चार्ट इंक्लूड कर लें, तो चार्ट की मदद से ग्राफिकली जो डाटा होगा वो समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चार्ट्स को इंक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल पहले से बना लिया। ठीक है, डाटा मैंने इंटर कर दिया, तो अब हमने देखना है कि किस तरह से ये डाटा है। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, 11 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और उनके हर स्टूडेंट के कुछ क्विजेज हैं, चार क्विजेज, हर क्विज के अगेंस्ट उसके ऑब्टेंड मार्क्स हैं, आउट ऑफ ये 5 मार्क्स हैं। मिड टर्म के मार्क्स हमारे पास आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, क्विज 4 एंड 5 के अगेन मार्क्स हमारे पास आउट ऑफ 5 हैं, फाइनल टर्म में हमारे पास आउट ऑफ 50 मार्क्स यहाँ पर हैं, और ये टोटल हमारे पास आ रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास ग्रेड है। ग्रेडिंग स्कीम ये है मेरे पास, जिस तरह मैंने ग्रेडिंग का फार्मूला अप्लाई किया वो ये है। अब हमने इंक्लूड करना है चार्ट। चार्ट को इंक्लूड करने के लिए जिस तरह हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में भी हमने यही देखा कि जिस डेटे पर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है हम उसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने इस डाटे के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, हम इस डाटे को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो क्विजेज हैं या मिड टर्म है या फाइनल टर्म है उसके अगेंस्ट मेरे पास एक टेबल जनरेट हो जाए, सॉरी एक मेरे पास चार्ट इंक्लूड हो जाए। तो इसकी सबसे पहले आपके पास शॉर्टकट की है Alt+F1, या आप यहाँ से इंसर्ट के टैब में आकर, ये आपके पास फोर्थ वन आपके पास चार्ट का ग्रुप है, आप यहाँ से ये मल्टीपल चार्ट्स आपको दिखाई देने, आप चार्ट इंक्लूड कर सकते हैं। शॉर्टकट की है Alt+F1। Alt+F1 से क्या होगा कि आप लोगों के पास एक खुद से ऑटोमेटिकली कोई चार्ट आ जाएगा जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। मीन्स आपके जिस तरह यहाँ आपके पास डिफरेंट चीज़ें आपको दी गई हैं कि आप लोग किस तरह का चार्ट इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन जब आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली कोई सा भी एक चार्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद चार्ट देखने के लिए यहाँ पर ये आप एरो पर क्लिक करेंगे जो आपके पास राइट बॉटम में आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम किस्म के चार्ट जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं जो रिकमेंड कर रहे हैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट आपका एक्सेल है जो उसका आर्टिफिशियली वो जो आपको रिकमेंड कर रहा है वो ये चार्ट्स हैं। इसके अलावा आप लोग ऑल चार्ट्स में आकर ये आपके पास तमाम एक्साम है उसकी तमाम टाइप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, आप कोई सी भी टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और चार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल टाइप्स मौजूद हैं, आप लोग जो भी लेना चाहें, मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में से कोई सा भी एक चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके, तो ये देखें मेरे पास एक चार्ट आ गया। ठीक है, मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ, तो ये है हमारे पास एक चार्ट किसके हवाले से, हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के हवाले से ये हमारे पास एक चार्ट आ गया। यहाँ पर देखें हमारे पास ये मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं ये टोटल मार्क्स हैं,
और यहाँ पर ये हमारे पास स्टूडेंट वन का रिकॉर्ड है, टोटल स्टूडेंट टू का है, थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो ये मल्टीपल, अब ये जो कलर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो कलर्स शो हो रहे हैं, ये कलर हमें क्या बता रहे हैं कि ये देखें, जो ब्लू कलर है वो क्विज़ वन का है, जो हमारे पास ऑरेंज कलर है वो हमारे पास क्विज़ टू के अगेंस्ट है, ठीक है। क्विज़ वन के अगेंस्ट ये मार्क्स हैं, क्विज़ टू के अगेंस्ट ये हैं, थ्री के अगेंस्ट जो मिड टर्म है उसके वो ग्रे कलर जो है वो हमारे पास मिड टर्म को शो, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब इस ग्राफ को आप लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये प्लस का आइकन है, इसको क्लिक करके आप लोग देखें आपके पास चार्ट के एलिमेंट आ रहे हैं, जो चीज़ें आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे वो यहाँ पे आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं चार्ट का टाइटल इंक्लूड या उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। डाटा लेबल्स आप लोगों ने देखने हैं, तो ये देखें हर जो भी मार्क्स हैं उस मार्क्स के ऊपर रेलिवेंट आपके कलर के ऊपर आपको मार्क्स भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो डाटा है वो भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि कितना कितना डाटा है। मीन स्टूडेंट सेवन ने जो ग्रीन है, ग्रीन व्हाट इज़ ग्रीन, ग्रीन इज क्विज फाइव, तो आउट ऑफ क्विज 50 जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 48 हैं। इसी तरह स्टूडेंट एट के जो मार्क्स हैं मिड टर्म में, सॉरी क्विज फाइव में, हमारे पास ग्रीन कलर हमारे पास फाइनल टर्म को शोर कर रहा है। आउट ऑफ 50 जो हमारे पास स्टूडेंट एट के मार्क्स हैं वो 90 हैं, इसी तरह इसके 31। तो ये हम डाटा लेबल भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह डाटा टेबल भी आप लोगों ने चार्ट के अंदर इंक्लूड करना है, तो इस तरह आप लोग डाटा टेबल को इंक्लूड कर सकते हैं, एरर बार्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये कोई खास आपके लिए भी माने नहीं लगती, ठीक है। ग्रिड लाइन्स हैं, बैक लाइन बैक एंड पर जो आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं आप उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास लेजेंड आ रहा है, इसको भी आप लोग इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। मीन्स आप लोग अगर आपको ये तमाम डाटा कोई इस तरह का आपका टेबल है कि आपको ये तमाम ये साइडों पर जो के जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है आप लोग ये देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे, तो आप लोग इसको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो सिर्फ आपके पास चार्ट ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा और चार्ट का डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होगा। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि व्हाट इज़ ब्लू कलर स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज़ ग्रीन कलर स्टैंड फॉर, कि ये कलर किस चीज़ के लिए। अगर आपका कोई चार्ट इस तरह के सिंपल चार्ट है तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो आप लोग उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग इसकी कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं चार्ट का। आप लोग डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं, कोई स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे और आपके पास ये देखें डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास डिज़ाइन टैब में भी आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल चार्ट्स मौजूद हैं, जो भी चार्ट आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ट फिल्टर है आपके पास, आप डेटा को एडिट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मीन्स अब देखें यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल जो है अगेन मल्टीपल कॉलम्स के अगेंस्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है। मैं कोई फाइव को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं कोई फोर को नहीं इंक्लूड कर रहा, मैं मिड टर्म को नहीं कर रहा, मैं ओनली क्विज वन और टू को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ और फाइनल टर्म देखना चाह रहा हूँ, या मैं मिड टर्म और फाइनल टर्म देखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ दो चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा और टोटल को मैंने चेक कर ली। अब स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप लोगों ने देखना है, मैंने सिलेक्ट ऑल किया हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कम कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, 10, 9, 8, 7 मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, मैंने निकाल दिया इनको। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देख रहा हूँ और मैं सिर्फ मिड टर्म और फाइनल टर्म और टोटल ये तीन चीज़ें देखना चाह रहा हूँ। मैंने अप्लाई किया तो ये हमारे पास देखें उसी तरह फिल्टर अप्लाई हो गया हमारे कॉल हमारे चार्ट के ऊपर। अब ये जो फिल्टर अप्लाई हुआ सिर्फ चार्ट के ऊपर अप्लाई हुआ, हमारा जो बैक एंड पे डाटा था वो सेम एज इट इज़ रहेगा, उस डाटे पर हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये देखिए बैक एंड पे हमारे पास टेबल सेम एज इट इज़ है। अब हमारे पास स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हमारे पास डाटा है, सिर्फ किस चीज़ का डाटा है, हमारे पास मिड टर्म फाइनल टर्म और टोटल का है, ठीक है। मिड टर्म में आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो लिखे हुए, फाइनल टर्म में जो अगेन आउट ऑफ 50 जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं, और ये टोटल आउट ऑफ 100 जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए। तो इस तरह से आप लोग चार्ट इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी आप लोग करना चाह रहे हैं आप इंक्लूड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग यहां से भी इसी तरह क्विज वन और स्टूडेंट के अगेंस्ट ही मैं सिर्फ डाटा इंक्लूड करना चाह रहा हूं, तो मैंने जस्ट ये देखें कुछ एक मेरे पास चार स्टूडेंट्स हैं और एक क्विज है, मैं उसके अगेंस्ट ही सिर्फ चार्ट इंक्लूड करना चाह रहा हूं। तो यहां से मैं इंसर्ट टैब में आऊँगा और इंसर्ट टैब में से मैं कोई भी यहां से आप लोग किसी भी किस्म से जो आपके पास मल्टीपल टाइप्स मौजूद है मल्टीपल टाइप में सब कोई सी भी टाइप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने चार्ट एक और इंक्लूड कर लिया, ये देखें स्टूडेंट वन है हमारे पास वो ब्लू कलर में शो हो रहा है, स्टूडेंट टू येलो कलर है, ग्रे हमारे पास कलर जो स्टूडेंट थ्री का है, और जो लास्ट कलर है हमारे पास वो स्टूडेंट फोर का यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है।
ठीक है। अगेन आप यहाँ से कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, लेबल्स, ये देखें तो ये हमारे पास लेबल्स आ गए। ये आउट ऑफ 5 हमारे पास जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन की हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थीम, डिज़ाइन, कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये ग्राफिकल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही सही है, खूब है। इससे हमें जो अंदाज़ा बड़े अच्छे से हो जाता है डाटे का। नंबर 2 पे हमने डिस्कस करना था टेबल्स। टेबल्स हम किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, इसी तरह ही हम टेबल भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी डाटा है आपके पास, आप लोगों ने डाटे को सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट में आए आप लोग टेबल इंक्लूड कर लें, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखें। इसके अलावा यहाँ पर भी आप लोग कोई चीज़ देना चाह रहे हैं तो अगेन टेबल इंसर्ट करके आप लोग खुद से अगेन डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। मैं ओके कर रहा हूँ तो ये मेरे पास टेबल इंक्लूड हो गया यहाँ पर, ठीक है। जो बैक एंड पे मैंने बना था, जस्ट डिज़ाइन किया हुआ था मैंने, वो टेबल नहीं ड्रॉ किया हुआ था, और अब मेरे पास जो है वो टेबल ड्रॉ हो गया यहाँ पर। अब आप लोग इस कॉलम्स के नेम चेंज कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर इसको फिल्टर करना चाह रहे हैं इसी डाटा को, मीन्स ये जो मार्क्स है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ये मार्क्स शो होने चाहिए किस तरह से शो होने चाहिए, स्मॉलेस्ट पहले आ जाएँ और उसके बाद लार्ज हमारे पास जो नंबर हैं वो आने चाहिए। तो ये देखें मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। टेबल इंसर्ट करने का ये फ़ायदा कि हम टेबल के ऊपर मल्टीपल जो एक्शन है, जो ऑपरेशन है, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखें आप लोगों ने मार्क्स तमाम सेलेक्ट किए हुए हैं। आप सॉर्ट बाय कलर करना चाह रहे हैं, जिस तरह कलर हैं आप हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। इसी तरह जितने भी हमारे पास टेबल के कॉलम हैं, आप हर कॉलम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन या आप उस पर जो फिल्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था टेबल। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या होता है? फ्रीज पेन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक रो को या कॉलम को हम स्टैटिक कर सकते हैं या रोक सकते हैं कि जब हम अपनी पूरी शीट को स्क्रॉल कर रहे होंगे तो वो स्क्रॉल नहीं होंगे। जिस तरह लेट्स सपोज ये मेरे पास सीरियल नंबर, ये रो है, मैं इसको अगर फ्रीज कर दूं तो जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो इसके नीचे वाली तमाम रो स्क्रॉल होंगी लेकिन ये रो स्क्रॉल नहीं होगी। और इसी तरह मैं अगर कॉलम को, इस स्पेसिफिक कॉलम को मैं फ्रीज करता हूँ तो जब मैं कॉलम्स को, इस तरह डेटे को, बाकी डेटे को, पूरी शीट को मैं जब इस तरह स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास वो रेलिवेंट जो कॉलम है वो स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रीज पेन क्या करता है? फ्रीज पेन हमारे स्पेसिफिक रो को या कॉलम को या कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स को एट अ सेम टाइम उनको फ्रीज कर देता है कि वो हमारे पास स्क्रॉल तब नहीं होती। अच्छा, इसको करने का, फ्रीज करने का मकसद क्या है? मकसद यह है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर ये मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ फाइनल टर्म मार्क्स, और मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, ये देखें मैंने सिलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ पर उसी कॉलम में मेरे पास यहाँ पर कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं फाइनल टर्म के, लेट्स सपोज 49। अब ये मार्क्स जब मैं स्क्रॉल डाउन इस तरह करता जा रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि ये मार्क्स जो उनसे हैं किस चीज़ के मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल हमारे पास कॉलम्स हैं, मुझे नहीं पता था कि फाइनल मार्क्स इधर थे। मैं इधर भी लेट्स सपोज कोई इस तरह मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास फाइनल मार्क्स कौन से थे, ये वाला कॉलम था या ये वाला कॉलम था। ऑफ कोर्स मैं स्क्रॉल करता करता बहुत नीचे आ गया और मेरे जहन से निकल के नहीं पता लग रहा। इस तरह हमारे पास जब रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा, शीट पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होगा तो हमें नहीं समझ आ रही कि ये किस चीज़ के मार्क्स हैं। 49 जो मार्क्स हैं ये फाइनल के हैं या फाइनल के ये हैं या कुछ भी, मतलब ये जो डाटा है, रेलिवेंट जो डाटा है वो कौन से कॉलम से ताल्लुक रखता है। तो इसको हम देखने के लिए, इस चीज़ से हम बचने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी स्पेसिफिक कॉलम को या अपनी स्पेसिफिक रो को हम फ्रीज कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो सी रो है मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्रीज हो जाए, बाकी जितना भी रिकॉर्ड है वो मेरे पास स्क्रोल होता रहे, ये सिर्फ चीज़ स्क्रोल ना हो, मैंने इसको फ्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, जिस रो को, अगर हम रो की बात करें तो जिस रो को आप लोगों ने फ्रीज करना है, हमने फ्रीज करना है उसके बिल्कुल नीचे वाले जो हमारे पास रो है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हम जाकर उसको क्लिक करेंगे, बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। और अब हमने फ्रीज करना है तो हम व्यू के टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको विंडो के ग्रुप में फ्रीज पेन का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ से आप लोगों ने कर देना जी फ्रीज पेन, ठीक है। अगर टॉप रो करेंगे तो सिर्फ ओनली वन रो, मीन्स आपकी अगर हेडिंग टॉप रो में लिखी हुई है तो आप सिर्फ फ्रीज टॉप रो कर दें तो इससे हमारी फर्स्ट जो सी रो है, वेरी फर्स्ट रो, वो हमारे पास फ्रीज हो जाएगी। इसी तरह कोई नंबर्स या कोई इस तरह का आपका डाटा रिकॉर्ड जो आपका फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ तो आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाएगा। अब हमारा ना फर्स्ट कॉलम है इस तरह, ना हमारे पास फर्स्ट रो है,
तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाली रो, सेकंड रो को हमने फ्रीज करना है, तो हम जो भी रो होगी हम उसके नीचे बिल्कुल साथ वाली रो पर हम जाकर सेलेक्ट करेंगे सेल को, और हम कहेंगे जी फ्रीज पेन, पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैंने जैसे ही पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हल्की सी आपको एक लाइन नजर आ रही है, मीन्स ये जो उनसे हमारे पास पहले ही दो रोज हैं, या ये वाली जो हमारे पास रो है ये फ्रीज हो गई है। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ से, ये देखें मैं स्क्रॉल बार से ही स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये देखें अब हमारे पास क्या हो रहा है, नीचे वाला तमाम डेटा वो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन वो वाली रो नहीं हो रही। ठीक है, तो अब देखें वो जो वही डेटा, सेम वही डेटा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ जो मैंने नीचे लिखा था यहाँ पर, ये देखें ये 49 आ गया। तो अब मुझे टेंशन नहीं है, मुझे कोई भी डाटा देखना है किस कैटेगरी से इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक फाइनल टर्म से है, इसका किस से ताल्लुक है, देखिए क्विज 5 से है, ये क्विज 4 से है, इस तरह कहीं पर भी कोई डाटा लिखा होगा हमारे पास पूरी शीट में किसी जगह पर भी, तो मुझे वो पता लग जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रोल साइड पर करता हूँ मैं, हॉरिजेंटली करता हूँ, तो ये देखें इस साइड पे अगर मैं करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर अगेन इस तरह कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड मौजूद है अगर, तो मुझे नहीं पता चलेगा वो रिकॉर्ड किस चीज़ का। लेट्स सपोज ये 55 मार्क्स हैं या 39 जो स्टूडेंट फेल है, मैं स्क्रॉल इस साइड पे करता हूँ मीन्स काफ़ी आगे जाकर कोई रिकॉर्ड मेरे पास मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ ये 39 मार्क्स किसके हैं, या ये कौन सा स्टूडेंट है जो फेल हुआ, उसका नाम क्या है, मीन्स इस सेल के अगेंस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ ये किस चीज़ का रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है, तो मैं क्या करूँगा। अब देखें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही, अगेन हम क्या करेंगे उस कॉलम को हम फ्रीज कर देंगे, कॉलम है ये सी। अब जिस कॉलम को हमने फ्रीज करना है उसके वेरी नेक्स्ट पे आके, वेरी नेक्स्ट पे हमने रो को फ्रीज करना है, तो हम उसके वेरी बॉटम पे आएंगे, जैसे इस तरह था, इस रो को हमने फ्रीज करना था, हम उसके साथ वेरी फर्स्ट जो हमारे पास रो थी उधर आए थे। और अब अगर हमने ये वाला कॉलम फ्रीज करना है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने देखना है कि हर जगह हमें ये मिलता रहे, ठीक है, और जो बाकी रिकॉर्ड है हमारे पास वो स्क्रॉल हो, तो अब मैंने क्या करना है, इसको जब हमने फ्रीज करना है तो इसकी वेरी राइट साइड पर फर्स्ट फर्स्ट रो में हमने सेल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो हमारे पास रो थी मैं उसको अनफ्रीज कर रहा हूँ पहले, ये देखें वो अनफ्रीज हो गई। अब मैं इसको कर रहा हूँ फ्रीज पेन, मैंने ये सेल सिलेक्ट किया हुआ है और ये वाला कॉलम जो है वो मैं फ्रीज करना चाह रहा हूँ, मैंने उसके वेरी नेक्स्ट पे मैंने उसको सेल को सिलेक्ट किया और मैं फ्रीज पेन कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर एक लाइन आपको नजर आ रही होगी, हल्की सी लाइट, थोड़ी तेज कलर में आपको ये लाइन ब्राइट नजर आ रही है। अब देखें मैं जैसे ही ये स्क्रॉल करता हूँ, आप देखेंगे ये देखें अब बाकी रिकॉर्ड तमाम का तमाम जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, ये देखें, लेकिन वो स्टूडेंट का जो हमारे पास कॉलम था वो स्टैटिक खड़ा हुआ है अपनी जगह पर। तो इस तरह मेरे पास कहीं पर भी कोई डाटा होगा, लेट्स सपोज इधर कहीं पर भी कोई डाटा है, मीन्स 0 मार्क्स हैं यहाँ पर किसी के, तो मैं देखना चाह रहा हूँ किसके हैं, तो ये देखें हमारे पास अगेन बड़े आराम से हमें पता लग जाएगा किस स्टूडेंट के रेलिवेंट, किस फील्ड के रेलिवेंट हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, स्टूडेंट 7 के अगेंस्ट वो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। तो इस तरह से स्पेसिफिक रो और कॉलम आप लोग हम कर सकते हैं फ्रीज या अनफ्रीज। आप लोगों ने अगर वेरी फर्स्ट कॉलम वेरी फर्स्ट रो को फ्रीज करना है तो कहीं पर भी क्लिक कर लें, कोई इशू नहीं है, जस्ट क्लिक करें और कर दें फ्रीज वेरी फर्स्ट रो, टॉप रो फ्रीज हो गई है देखें, ठीक है, बाकी डाटा रिमूव हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है लेकिन फर्स्ट जो सी रो है वो नहीं हो रही। इसी तरह आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम करना है तो फर्स्ट कॉलम कर लें, अब देखें हमारे पास फर्स्ट कॉलम सिर्फ फ्रीज है, बाकी तमाम रिकॉर्ड जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। अच्छा, अब हमारे पास है कि अगर आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक उसके आगे आके आप लोगों ने रो को भी करना है जिस तरह अभी हमने किया था, तो या कॉलम हो रहा था या हमारे पास रो हो रही थी, अब हमने दोनों चीजें स्क्रॉल जो फ्रीज करनी है, रो भी और कॉलम भी। मैंने इनको वेरी फर्स्ट पर इसीलिए ही नहीं रखा कि यहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। अब देखें ये है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह जा रहा हूँ कहीं पर भी किसी और जगह पर, मैं देखना चाह रहा हूँ ये जो रिकॉर्ड है, लेट्स सपोज मैं इधर कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये रिकॉर्ड किस नंबर के अगेंस्ट आ रहा है, किस स्टूडेंट के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने ये देखें काफ़ी सारा आगे जाकर शीट में, बहुत आगे जाकर मैंने इसको रिकॉर्ड को लिखा है। हमारे पास हम एड्रेस इसका चेक कर लेते हैं क्या, होम के टैब में हमारे पास आ रहा था, सॉरी मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं यहाँ से दोबारा चेक कर लेता हूँ, फार्मूला बार मैंने ओके की, तो ये इस सेल का एड्रेस हमें क्या मिल गया, W108, 108 हमारे पास रो है और W कॉलम है। ओके चलें, आज हम दोबारा से चलते हैं ऊपर। अब मैं ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला रिकॉर्ड, ये तमाम का तमाम मैं यहाँ पर विजिबल देखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे दोनों एट अ टाइम जो है ये रो भी और कॉलम भी दोनों फ्रीज हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें होगा ऐसे कि जो रो थी और जो कॉलम था, रो के वक्त हम क्या करते थे, जब हम किसी स्पेसिफिक रो को करते थे तो हम
उसके वेरी नेक्स्ट पर, मतलब हमने अगर ये वाली सेकंड रो को हमने फ्रीज करना था तो वेरी नेक्स्ट पर आते थे। इसी तरह अगर हमने किसी कॉलम को फ्रीज करना था तो हम उसके भी वेरी नेक्स्ट पर आते थे। इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास रो है, इसका वेरी नेक्स्ट कौन सा बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है। लेकिन कॉलम ये है, अब कॉलम ये है तो अब इसका वेरी नेक्स्ट हमारे पास ये बन रहा है। इन दोनों का, रो का और कॉलम का, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखें, ये इस जगह पर ये सेल है इंटरसेक्शन का दोनों का। तो इन दोनों का जहाँ पर जो रो एंड जो कॉलम हमें चाहिए होगा, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये रो है और ये कॉलम है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट का जो वेरी नेक्स्ट सेल होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेल है। तो इस सेल को अब हमने फ्रीज कर देना, ये देखें इस पे आके हमने करना है फ्रीज पेन। अब ये देखें ऑटोमेटिकली इधर भी लाइन लग गई और यहाँ पे भी लग गई। अब देखें मैं रिकॉर्ड को ऊपर करता हूँ, ये देखें ठीक है, ये जा रहा है हमारे पास रिकॉर्ड, लेकिन ऊपर वाली जो रो है वो फ्रीज है। और अब मैं इस साइड पर करता हूँ तो फिर क्या होगा, ये देखें, तो ये कॉलम भी हमारे पास फ्रीज है। अगर हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास रो फ्रीज है, और अगर इस साइड पर हम साइड पर हॉरिजेंटली हम इसको मूव करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो हमारे पास कॉलम भी फ्रीज है। ठीक है, तो एट अ टाइम हमारे पास एक काम कर रहा है। तो देखें यहाँ पर हम अगर स्क्रॉल हॉरिजेंटली करते हैं तो हमारे पास कॉलम भी काम कर रहा है, और हम अगर वर्टिकली इसको कर रहे हैं हम स्क्रॉल, तब हमारे पास रो भी काम कर रही है। एट अ टाइम हमारे पास एक ही काम करेगा। तो ये था हमारे पास फ्रीज पेन ओके हो जाए। आप लोगों ने कोई भी डाटा रिकॉर्ड देखना है ओके कर लें, उसके बाद अनफ्रीज भी आप कर सकते हैं। अनफ्रीज किया, अब देखें हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज, जिस तरह रिकॉर्ड हमें चाहिए था वैसे ही है ओके। उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास एज कैलकुलेशन आ जाती है। एज कैलकुलेशन के लिए मींस मैंने एज कैलकुलेट करनी है, लेट्स सपोज मैंने अपनी ही करनी है। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने ईयर्स हैं और कितने मंथ्स हैं। कुछ चंद एक फार्मूला, तीन फार्मूले मैंने डॉक्यूमेंट में दे दिए हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और डेज में यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, मैं फार्मूला यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिख देता हूँ। और इस सेल की जो टाइप है वो मैंने आप लोगों को बताया था हम फॉर्मेटिंग किस तरह से कर ले होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी टाइप रख दूंगा टेक्स्ट। तो हमें क्या होगा कि इससे जो हमारा जो भी फार्मूला होगा वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, वो सिर्फ टेक्स्ट की सूरत में हमें नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि फार्मूला में नज़र आता रहे। ठीक है, हम लिखेंगे इक्वल, इक्वल के बाद हम लिखेंगे कैपिटल में लिख लें, स्मॉल में लिख लें, नो इश्यूज़, आपका दोनों में ही चल जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे डेटेड इफ, और इसके अंदर हम ब्रैकेट लगाएंगे। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे जो हमारे पास वैल्यू होगी, मींस मैं यहाँ पर एक सेकंड में यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं कोई भी रैंडमली डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, सबसे पहले 12/01 एंड मैं लिख लेता हूँ 2001, और यह है डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आज की करंट डेट, जो ये करंट डेट का मैंने फार्मूला बताया था टुडे, मैं टुडे लिख कर इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आज की डेट आ गई। ओके, इसमें फार्मूले में हमने क्या करना था, फार्मूले में हमने एडिट किया, डॉलर साइन सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके साथ हमने क्या करना है कि हमारी जो करंट डेट है हमने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास सेल बन रहा है N6, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डायरेक्ट नेम बॉक्स में या एड्रेस बॉक्स में। तो हम देखते हैं कि N6 हमारे पास था सेल, N6 हम कॉमा यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है M6 डॉलर, डॉलर साइन M6, ठीक, ये हो गया। अब कॉमा हम दोबारा से ये यूज़ करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अगर ईयर्स कैलकुलेट करने हैं तो हम डबल कोटेशन में हम लिख देंगे वाई, स्मॉल लिख लें, कैपिटल लिख लें, नो इश्यूज, आपका फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ब्रैकेट हमने बंद कर देंगे। तो ये है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने अगर ईयर्स फाइंड करने हैं तो हम लिखेंगे वाई, हम लोगों ने अगर मंथ फाइंड करने हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसी फार्मूले को ही कॉपी कर देता हूँ मैं टेक्स्ट को ही, तो हम फॉर डेज में लिखता हूँ जी, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ईयर्स, ईयर फाइंड करने हैं तो हम यूज क्या करेंगे वाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर वाई, फॉर मंथ्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एम, स्मॉल यूज़ कर लें, कैपिटल यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फॉर डेज क्या यूज़ करेंगे हम डी। ठीक है, वाई एम और डी इस फार्मूले में हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ एज कैलकुलेट करने के लिए। आप लोगों ने अगर एज कैलकुलेट करनी है अपनी, कितने बन रहे हैं, कितने ईयर्स हैं, कितने मंथ हैं और कितने डेज बनते हैं,
तो यहाँ पर चेक करते हैं फार्मूला लगा के, एग्जीक्यूट करते हैं। मैं लिखता हूँ डेटी इफ इनटू, हमारे पास वैल्यूज सेम ही जगह पर हमारे पास दो बॉक्सेस में लिखी हुई हैं, डॉलर साइन यूज़ करके। मैं सबसे पहले लिखता हूँ टुडे, क्या है आज, सॉरी डॉलर साइन एम सिक्स, हमारे पास थी टुडे थी एन सिक्स, और उसके बाद हम सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं। फिर डॉलर साइन हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फिर एम सिक्स, फिर सेपरेटर यूज़ करेंगे। अब हमने ईयर्स फाइंड करने हैं, कितने ईयर्स बन रहे हैं 2001 से अप टू 2001, आज तक हमारे पास कितने ईयर्स बनते हैं। ठीक है, मैंने वाई लिखा, मैंने स्मॉल अप वाई लिख दिया और उसके बाद इंटर करते हैं। ये हमारे पास कोई मिस्टेक है, फार्मूला मैंने ऊपर एन सिक्स लिखा है पहले, ये हमारे पास टुडे बन रही है, हम यहाँ पर एम सिक्स कर देते हैं और यहाँ पर हमने करना था एन सिक्स। ठीक है, इंटर करते हैं तो ये हमारे पास 19 ईयर जोन सी एस की हमारे पास जो डेट है, डेट टोटल ईयर जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर 19 ईयर्स बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसी तरह हमने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। सेम मैं इस तरह करता हूँ, अगेन लिख लेते हैं या फार्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी, सेलेक्ट किया फार्मूला बार से उसको कंट्रोल सी से, और मैंने इधर आके मंथ्स में आकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये इस तरह भी कर सकते हैं, और इसको हम इस तरह से जिस तरह मैंने बताया था, हम जो फॉर्मेट है हमारे पास, जो भी सीक्वेंस है, हम उसको अगेन 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 करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा, अब यहाँ पर हमारे पास जो मंथ्स बन रहे हैं वो ज़ीरो हैं, हम इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए मंथ, मंथ्स के लिए हम एम यूज़ कर रहे हैं, एन सेवन नहीं है, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो सिक्स सेल में मौजूद हैं, और यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। तो ये हमारे पास मंथ्स कितने बने, 238 मंथ हमारे पास जो टोटल है वो बन रहे हैं। और इसी तरह डेज़ के लिए हम यूज़ करेंगे डी, और वैल्यूज़ हमारे पास अगेन सिक्स बॉक्स में पड़ी हैं तो हम सिक्स बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास डेज इतने बने, तो ये एज कैलकुलेट हो रही है, हमारे पास ऑलमोस्ट 19 ईयर्स बन रहे हैं और 238 मंथ हैं, या डेज कितने हैं 7273। एक बेसिक सा फार्मूला आपके पास ये है, एक और बेसिक सा फार्मूला मैं बता देता हूँ किस तरह से हमने एज कैलकुलेट करनी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके डॉक्यूमेंट में भी मौजूद है, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। आप लोग लिखेंगे इक्वल और इसमें लिखेंगे टुडे, टुडे में जो आज की तारीख होगी हमारे पास वो आ जाएगी, माइनस करेंगे हम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमारे पास कौन सी थी, ये थी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, और हम इसको डिवाइड कर देंगे कितने पे, डिवाइड हम कर देंगे 365.25 किस लिए, 0.25 है लीप ईयर के लिए। लीप ईयर आपको पता है कि एवरी फोर्थ मंथ, आफ्टर एवरी फोर्थ ईयर्स हमारे पास क्या आता है, जो जनवरी होता है उसमें 29 डेज होते हैं, तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसको हम इक्वली इक्वलेंस में लाने के लिए हमने उसको चार पे डिवाइड कर दिया। मींस हमने कहा कि हर ईयर में 365.25 मींस फोर्थ हिस्सा, एक दिन का चौथा हिस्सा हमने इधर इंक्लूड कर दिया फार्मूला, अब हमारे पास एक्यूरेसी में वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मेरे पास टाइप टेक्स्ट है तो ये फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैं इसकी टाइप जनरल कर देता हूँ, तो अब जब मैं इंटर करूँगा तो ये हमारे पास फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 19 ईयर 1 मंथ बन रहा है हमारे पास। ठीक है, 19 ईयर और 1 मंथ बन रहा है, जबकि ये 1900 है, ये आपकी ऐसे ही रेंडमली वैल्यू आ रही है, या 1900 गालिबन डेज बन रहे होंगे। तो ये इस तरह से आप लोग इस फार्मूले को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसकी अगेन टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एवरेज है, एवरेज कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। नॉर्मली हमें पता है एवरेज क्या होती है, कि जितने हमारे पास नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, और उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देते हैं जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं। लेट्स सपोज 2, 3, 4 तीन नंबर हैं, मैंने इन तीन नंबर्स की एवरेज निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों नंबर्स को मैं लिखूँगा यहाँ पर, ऐड करूँगा, ऐड करने के बाद मैं उसको डिवाइड कर लूँगा, जितने टोटल नंबर्स होंगे, मैं थोड़ा सा और नंबर बढ़ा देता हूँ, 5, 6 हो गया, तो मैं तमाम नंबर्स की एवरेज लेना चाह रहा हूँ, या मार्क्स हैं लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के, मैं इनकी एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से निकालूंगा, हमारे पास एवरेज का फार्मूला है, आप लोग यहाँ से वहाँ से भी खुद से भी लिख सकते हैं। ये अगेन हमारे पास एवरेज का फंक्शन पड़ा हुआ है, क्या करना है, हमने सिर्फ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से आके एवरेज को सेलेक्ट करना, तो ये हमारे पास एवरेज आ गई 4।
ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से एवरेज निकल आई। इसके अलावा आप खुद से फार्मूला टाइप करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, इक्वल लिखेंगे ए वी ई आर ए जी ए, एवरेज लिखेंगे, और एवरेज किसकी, एवरेज किसकी हमने लेनी है, हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे, ये है नंबर। अब हमने मल्टीपल नंबर्स की लेनी है तो हमने कहा था लिस्ट के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ करके मैं लास्ट वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने वो लास्ट वाले रिजल्टेंट 4 जो हमारा रिजल्ट था मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया, और जस्ट आप लोग सॉरी, और उसके बाद हम लोगों ने कर देना इंटर। ठीक है, इंटर किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसका भी 4 रिजल्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज का, परसेंटेज किस तरह निकालते हैं, हमें पता है कि परसेंटेज क्या होती है, जिस तरह की टोटल हमारे पास मार्क्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, लेट्स सपोज हमारे पास हम परसेंटेज चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट की पासिंग की, के जो स्टूडेंट है उनकी कितनी परसेंटेज है। मैं यहाँ पर अगेन एक परसेंटेज का भी बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखना चाह रहे हैं क्या परसेंटेज स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑब्टेन की है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। तो हमें पता है, हम क्या करते हैं फार्मूला लिखते हैं इक्वल, और ऑब्टेन मार्क्स जितने होते हैं हमारे पास, ये आ गए हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स, और हमारे पास डिवाइडेड बाय कितने होते हैं, डिवाइड हम करते हैं टोटल मार्क्स से, टोटल मार्क्स कितने हमारे पास टोटल है, ये 100। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मार्क्स है, मैं यहाँ पर 100 कर लेता हूँ। और नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स कर रहे होते हैं डिवाइड बाय हम कर रहे होते हैं टोटल मार्क्स, और फिर अगेन हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको 100 से। ठीक है, तो इस तरह करना है तब भी ओके, अदरवाइज हमारे पास जो सेकंड चॉइस वो क्या है, हमने जस्ट ये करके तो इंटर कर देना है। ये हमारे पास आ गई परसेंटेज, अब ये देखें ये पॉइंट्स में है 0.515। ठीक है, इसको एक्चुअल हम परसेंटेज देखने के लिए हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी हुई है, यहाँ से आके मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर इसकी परसेंटेज, वो देखें ऑटोमेटिकली उसने बता दिया 51.50% जो है इस स्टूडेंट के ग्रेड हैं, जो परसेंटेज है ये है। मैं इसी सीक्वेंस को तमाम स्टूडेंट के लिए चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये तमाम स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो आ गई। ठीक है, मैंने बताया था अगर डेसिमल प्लेसेस आप लोग कम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, किस तरह से करनी है इधर आएंगे और मोड नंबर फॉर्मेट्स में आकर आप लोगों ने जो परसेंटेज परसेंटेज को चेक करके सिलेक्ट करके यहाँ पर उसका नंबर कम कर देना। मैं 1 कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं अगेन इसको कर रहा हूँ, तो ये देखें हमारे पास तमाम वैल्यू सेट हो गई। ठीक है, 51.5% है, 55%, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स पहले लिख लें और उसके बाद डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स से, और उस सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो आप परसेंटेज कर दें, तो इस तरह से भी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है काउंट इफ, काउंट इफ का मतलब यह है कि अब स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं देखना चाह रहा हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो है 3 नंबर लिए हैं सिर्फ, मीन्स या मैं देखना चाह रहा हूँ हाईएस्ट नंबर जो से हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर क्विज में हमारे पास 5 मार्क्स हैं, तो मैं देखना चाह रहा हूँ 5 नंबर जो से हैं, 5-5 फुल बाय फुल नंबर किसने लिए हैं। तो हम यूज़ करते हैं काउंट इफ का फार्मूला कि जब हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ चेक करनी हो किसी भी रिकॉर्ड के अंदर, तो हम क्या करते हैं, फिर हम काउंट इफ यूज़ करते हैं। काउंट इफ के लिए हमारे पास फार्मूला भी काउंट इफ है, उसके अंदर हमने देनी होती है रेंज। रेंज हमारे पास, हमने कहा है कि रेंज को हम यूज़ करने के लिए जब हम बाय मैनुअली लिख रहे होते हैं तो हम कॉलन का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट वैल्यू, ये मैंने फर्स्ट वैल्यू दी, कॉलन और लास्ट वैल्यू। ठीक है, ये आ गई लास्ट वैल्यू, ऑटोमेटिकली रेंज भी सिलेक्ट हो गई और हमने बाय मैनुअल भी लिख के चेक कर ली। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्राइटेरिया नीचे आपको हेल्प भी नजर आ रही है, क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ फाइंड करनी है। मैंने चेक करना है 5 मींस 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेट किए हैं, आउट ऑफ 5 टोटल 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने गेट किए हैं। काउंट इफ का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, मैंने इंटर किया तो ये है 2, मीन्स 2 स्टूडेंट्स ने जो है सिर्फ 5 मार्क्स ऑब्टेन किए। हम चेक कर लेते हैं, ये देखें ये 5 मार्क्स, दिस इज द 1 एंड दिस इज सेकंड, ये 2 स्टूडेंट्स ने जो है 5 नंबर ऑब्टेन किए। इसी तरह मैं पूरी लिस्ट में देखना चाह रहा हूँ तो पूरी लिस्ट में भी देख सकते हैं। अगेन हम लिखते हैं इक्वल और काउंट इफ, आप पूरे रिकॉर्ड जितना भी आपके पास रिकॉर्ड होगा पूरे रिकॉर्ड में देखना चाह रहे हैं सिलेक्ट कर लें, या मैनुअली आप लोग फर्स्ट सेल का रिकॉर्ड और उसके बाद लास्ट सेल का रिकॉर्ड जो हमारे पास है वो दे दें, सेल का एड्रेस वो दे दें, और उसके बाद क्राइटेरिया मैं अब यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ 5 कितने जगह पर आया, तो मैं ओके करूँगा, तो ये मेरे पास टोटल 8 जगह पे जो है वो 5 नंबर आया। इसी तरह कोई भी चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग इस तरह से रिकॉर्ड में सर्च कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर भी हमारे पास सेम उसी तरह ही काम कर रहे होते हैं जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था कि हम हेडर के लिए और फुटर के लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते थे। कि हेडर में हम अपनी लेक्चर के हवाले से या हम किसी भी टॉपिक के हवाले से जो हमारे पास स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होती थी हम उसके हवाले से कोई भी हेडिंग देना चाह रहे हैं या हम कोई टाइटल रखना चाह रहे हैं वहाँ पर या
कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो हम फुटर था, हम उसमें क्या कर रहे थे, फुटर में हम पेज नंबर हम लगाना चाह रहे थे, तो पेज नंबर यूज़ करना चाह रहे होते थे, या और भी कोई चीज़ हम जिस तरह हम यूज़ कर रहे होते, तो वो उसके लिए हम यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास बहुत बड़ी शीट है जिसमें हमारे पास मिलियन ऑफ रोज एंड हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम हैं यहाँ पर। तो इस तरह भी इधर भी ऐसे ही है, जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में भी हमें सारी वही चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। यहाँ पर भी हमारे पास पेज बाई पेज ही सारा डाटा जो सा रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास प्रिंट हो रहा होता है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर व्यू टैब में आएंगे, या पेज लेआउट में भी आकर ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट में आपको आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले ये ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट को जो आपका पेज है उसकी, आप लोगों ने जिसकी हम हेडर और फुटर हम देखने जा रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन यहाँ से। ये अभी फिलहाल हमारे पास पोर्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ से हम आएंगे अब व्यू में, व्यू में आके यहाँ से आपको पेज लेआउट अब नज़र आ जाएगी। हमारे पास पोर्ट्रेट मोड था, मैं जैसे पेज लेआउट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इस तरह से हमें पेज एक एक सेपरेटली डिफरेंट, हमारे पास जो पेज है वो डिफरेंट अब हमारे पास हो गया, और एक एक पेज इस तरह से हमारे पास प्रिंट होगा। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो सेल हैं, बॉक्सेस हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं, हमने ये प्रिंट नहीं करवाने, तो ये ऑलरेडी जो सा है वो प्रिंट नहीं हो रहे, ये सिर्फ व्यू के लिए हैं। ये देखें ग्रिड लाइंस हमारे पास जो से शीट के जो से हैं वो हमारे पास प्रिंट नहीं हो रही, हमने इसको प्रिंट नहीं किया, वो जस्ट व्यू कर रहे हैं हम। ग्रिड लाइंस हमारे पास सिर्फ नज़र आ रही हैं, हम इनको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रिड लाइंस हैं वो हमारे पास शो हो रही हैं कि नहीं, ये तमाम चीज़ें हमने शो करवाई हुई हैं, यहाँ से भी आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पेज लेआउट आ गया। अब यहाँ पर हम लोग हेडर ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप लोगों ने हेडर ऐड करना है आप लोग हेडर ऐड करें, यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ICT, तो आप लोग यहाँ पर हेडर लिख सकते हैं हर पेज का। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर सेट कर रहे होते थे, हम हेडर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडर में जिस तरह हम जाते थे, इस तरह इधर भी हम जा सकते हैं, ठीक है। और फुटर में हम जाना चाह रहे हैं, ये देखें तो फुटर के लिए भी हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ भी जाना चाह रहे हैं तो हम जा सकते हैं। उसी तरह ये है सेम, हम यहाँ पर फुटर है हमारे पास, हम फुटर ऐड करना चाह रहे हैं, कोई पेज नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग हेडर और फुटर को जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई भी चीज़ आप लोग लिख रहे हैं हम लिख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था, हम हेडर लिखते थे, वो हमारे पास सिंक होते थे तमाम पेजेस, इसी तरह ये भी इसी तरह हमने एक जगह पे हेडर लिखा। मैं इसको जूम कम थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ तो आपको नज़र आएगा, हमने हेडर सिर्फ एक जगह पर लिखा और तमाम पेजेस के ऊपर हमारे पास जो हेडर था वो। अब देखें ये रिकॉर्ड हमारा किस तरह से यहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास सही नहीं है। हम इसको लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया था हम जो पेज की सेटिंग में हम गए थे पेज लेआउट में, तो यहाँ से हम ओरिएंटेशन भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, तो हमारे पास जो टेबल है वो कुछ सही आ रहा है, ठीक है। इस एक रो को हम इस तरह इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो टेबल होगा वो बिल्कुल सेट आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हम होम टैब में आएंगे, इस पेज व्यू को हम नॉर्मल कर देंगे, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल कर दिया। पेज ब्रेक प्रीव्यू में भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से भी करता हूँ, हमने क्या करना है, ये जो सी रो है मैंने इसको कर देना डिलीट, तो अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो हमारे पास डाटा है, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अब रिकॉर्ड है, जो डाटा है, जब हम प्रिंट पर रिव्यू में जाएंगे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये जो डाटा होगा ये हमारे पास कंप्लीटली शो हो रहा होगा। पेज लेआउट, तो हमारे पास ये टेबल हमारे पास कंप्लीट आ रहा है, सिर्फ ये चीज़ नहीं आ रही, तो हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करके हम इसको इधर भी रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डेटा है, मैंने इसको कट किया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास अब जो उनका रिकॉर्ड है, जो हमारे पास पेज होगा, वो जो डेटा होगा उस पर वो बिल्कुल कंप्लीटली हमें बिल्कुल सेट परफेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग पेज की अलाइनमेंट कर सकते हैं कि जब हम प्रिंट करने लगें तो कोई इशू ना आए, तो हम उसको पहले से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फी अमान अल्लाह।